जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की मेरा ये वीडियो आसाम पुलिस वालों के लिए है, आसाम पुलिस के जो कैंडिडेट है उनके लिए खास करके ये वीडियो है। ठीक है, तो जितने भी भाई लोगों ने आसाम पुलिस में अप्लाई किया है और जितने भी भाई लोग और बहन लोग जो आसाम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं तो उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने तैयारी को बीच में छोड़ दिया है। इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमारे सीएम साहब ने कहा है कि जो रिक्वायरमेंट जो होगा आसाम पुलिस का वो मई महीने में होगा। तो बहुत लोग सोच रहे कि मई महीने तो बहुत बाकी है, अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, 4-5 महीना बाकी है, अभी से तैयारी क्यों करूँ। ये जो सोच जो है ना, ये हमारे लिए काफ़ी गलत है। ठीक है, ऐसा काम हमको करना नहीं चाहिए कि ये सोच के कि अभी रिक्वायरमेंट बहुत बाकी है और अभी से हम तैयारी को छोड़ दें, बीच में ड्रॉप कर दें। ये चीज़ काफ़ी गलत है। ठीक है, किस लिए गलत है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आसाम पुलिस की जो होता है ना दोस्तों, जो फिजिकल की टेस्ट होता है ना, ये काफ़ी हार्ड रहता है। हार्ड इसलिए रहता है कि इसमें कट ऑफ बनता है। ठीक है, सभी को पता ही ये चीज़। अगर कट ऑफ में नाम नहीं आएगा फिजिकल में, तो आप रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हो। ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, सबसे पहले रिटर्न तक पहुँचने के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल का कट ऑफ में नाम आना है। ठीक है, उसके बाद आप रिटर्न में जाने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ में। तो दूसरी बात है, अगर आप रिटर्न में पहुंच जाओगे तो भाई रिटर्न की तैयारी तो करना है ना, तो उसमें कितना टाइम मिलेगा आपको? 1 महीना भी टाइम नहीं मिलेगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर आप 1 महीने में क्या तैयारी करोगे? ऐसा सोच मेरे को पहले था, जब मैं पहले पहले किसी भी डिफेंस लाइन की तैयारी करता था तो मैं ऐसे ही फिजिकल की तैयारी कर लेता, लेकिन रिटर्न में तैयारी नहीं करता। जब रिटर्न जब मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता तो उसके बाद रिटर्न की तैयारी करता, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं होता, कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे आसाम पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, है ना, यूपी पुलिस का भी भर्ती आ रहा है क्या? शायद लास्ट डेट 16 तारीख को है। ठीक है, यूपी पुलिस का। तो ये जितने भी लोग तैयारी कर रहे, चाहे एसएससी जीडी हो ना, तो भाई लोग आप लोग ये मत सोचो कि अभी टाइम बहुत बाकी है, ये काफ़ी गलत है। ठीक है, चाहे वो रिटेन की हो चाहे फिजिकल की हो, तो ये काफ़ी गलत है। ठीक है, ये आप लोग ड्रॉप मत करो तैयारी को। जो लोग ड्रॉप करते ना बीच में, तो मतलब हमारा जो एम जो है ना, वो तो बीच में थोड़ा सा मतलब टूट जाता है, थोड़ा सा एम को ना बिगड़ जाता है, एम थोड़ा सा अलग टाइप में चला जाता है एम को। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को ड्रॉप मत करो। ड्रॉप करने से क्या होता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। चाहे आप यूपी पुलिस हो, असम पुलिस हो, या फिर एसएससी जीडी हो, अग्निवीर की तैयारी हो, है ना, जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ड्रॉप मत करना। ठीक है, ड्रॉप करने से काफ़ी नुकसान होता है, हमको नुकसान होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ में आ ही गया होगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है भाई, जो नए नए तैयारी करने वाले हैं या फिर जिन्होंने एक बार दो बार भर्ती देखा और फिर फेल हो चुका है, तो लोग टूट चुके हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। तैयारी को कभी मत छोड़ना, ठीक है, बीच में कभी मत छोड़ना तैयारी को, है ना, तैयारी को जारी रखना है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, मेहनत अच्छा खासा होगा तो कहीं ना किसी भी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, मैं भी एक हरा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मैं कभी खुद को हरा हुआ नहीं मानता हूँ। जब तक अंदर में जान है ना, तब तक तैयारी चालू रहेगा। चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।